अस्सलाम वालेकुम, कुकिंग एंड लाइफस्टाइल विद सहर में आप सबको बहुत प्यार भरा वेलकम। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत स्पेशल कीमा भरे टिंडे। डिश बहुत मज़ेदार है, इतनी अच्छी कि टिंडे ना खाने वाले भी इसको ज़रूर खाएंगे। टिंडों के फ़वाद सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि टिंडा कद्दू या लौकी के ख़ानदान से है और ये बेइंतहा मुफीद है पेट के लिए, दिमाग को कुव्वत देने के लिए। इसमें विटामिन सी और ई बकसरत होता है, बहुत ज़्यादा होता है, और ये हाजमे के लिए बहुत अच्छा है। तो अपनी तरकीब पर आते हैं। अच्छा, मैंने प्याज ली है एक पाव, छील के धो के मैंने साफ़ कर ली है। अब मैंने इसको चॉप कर लिया है बारीक तरीन, और कीमा लिया है मैंने बीफ का आधा किलो, टिंडे मैंने लिए हैं एक किलो। जी हाँ, टिंडे ज़्यादा लिए जाएंगे। इनको छील के धो के साफ़ कर लिया है, लेकिन इनको ऊपर से मैंने काटा नहीं है, नीचे से भी मैंने इनको पूरा भी साबुत रहने दिया है। उसकी वजह यह है कि हमने कीमा इसके अंदर भरना है। थोड़ी हरी मिर्चें ली हैं, इनको भी अभी हम साफ़ कर लेते हैं, कट कर लेते हैं, ठीक है। और देखिए, मैंने ऊपर से इसका कवर काट दिया है टिंडे का, और एक छोटे चमची की मदद से, और टिंडा भाग गया छोटे चमची की मदद से मैं इस टिंडे को अंदर से खाली कर लूँगी। अब देखिए, ये खाली हो गया है। इसका जो गूदा निकला है अंदर से टिंडे का, ये मैंने रख लिया है, क्योंकि ये सालन को, ग्रेवी को थिकनेस देने के लिए, गाढ़ापन देने के लिए बहुत अच्छा रहेगा। साथ ही इसमें फाइबर बहुत है, तो ये खाने में भी बहुत अच्छा होता है। तकरीबन सारे टिंडे मैंने अंदर से एम्प्टी खाली कर लिए हैं, गूदा मैंने सारा यहाँ रख लिया है। अब देखें, सबके जितने भी कवर्स हैं वो मैंने उसी के अंदर रख दिए हैं। उसकी वजह ये है कि मैंने इसको, जब हम इसमें कीमा भरेंगे तो हम इसको इसी से ही कवर करके रख देंगे। अब जितने प्याज हमने लिए थे, चॉप हुए हुए प्याज में से चौथाई हिस्सा आप निकाल लें कीमे के अंदर डाल के भूनने के लिए। ये कीमा टिंडों के अंदर भरा जाएगा, तो इसमें हमें ज़्यादा प्याज नहीं चाहिए। तकरीबन 2-3 टेबल स्पून मैंने ऑयल लिया है। घी लेना चाहें आप घी ले लें, जो आपके घर में पसंद हो। और उसमें मैंने वो जो चौथाई प्याज अलग की थी, 1/4 हमने वो प्याज मैंने इसमें डाल के ब्राउन होने के लिए रख दी है। बहुत ज़्यादा ब्राउन मैं नहीं करूँगी। और आपको पता है, लहसुन अदरक मैं अपनी रेसिपीज़ में ताज़ा लेती हूँ, मूसल में, हावन दस्ते में इसको मैं कूट रही हूँ। लहसुन मैंने तकरीबन 8 से 10 दाने ले लिए थे, इसी में कीमा डाला, तेल में लहसुन अदरक डाला, कीमा डाला, ठीक है। और इसको मैं अच्छे से भून लूँगी ताकि कीमे का पानी खुश्क हो और कीमे की बदबू ख़त्म हो जाए। 2 टीस्पून मैंने लाल मिर्च ली है, 1 टीस्पून नमक और आधी टीस्पून ज़ीरा, थोड़ा सा मैंने दही लिया, थोड़ा सा पानी डाल के इस कीमे को मैंने भुनने रख दिया। अब देखें, तकरीबन 30 मिनट के पका है, कीमा गल चुका है, लेकिन अभी कीमे में पानी है। ये देखें, मैं चमचे से हटा के दिखा रही हूँ, पानी है। इसको मैं और भूनूंगी। ये देखें, अब देखें, अब ये पानी ख़त्म हो गया। इसको मैंने और पकाया, तकरीबन 45 मिनट्स के अंदर ये पक के तैयार हो गया। खुश्क कीमा है ये, बिल्कुल ड्राई कीमा है। और ये जो हमने कढ़ाई जिसमें पकाया, देखिए इसमें मसाला और गोश्त की खुशबू और तेल सब मौजूद है। हम इसी तेल के अंदर मसाला बनाएंगे सालन का, ताकि हमारा सालन बहुत टेस्टी बने। इसी में मैं तकरीबन 1 कप तेल ले रही हूँ। आपके घर में अगर कम खाया जाता है तो आप कम ले लीजिए। बाकी बचे हुए प्याज को मैंने इसमें डाल के ब्राउन होने के लिए रख दिया है। आंच थोड़ी कम रखिएगा, बहुत तेज़ आंच पे काम नहीं कीजिएगा, ठीक है। अब ये कीमा जो है, जितने वो प्याज ब्राउन हो रहे हैं, हम ये कीमा टिंडों में भर देते हैं। सूखा कीमा है, इसको उसी चमची की मदद से आप टिंडों के अंदर डालिए, और एक एक चमची के करीब आएगा टिंडों के हिसाब से, जितना चमचा हो आपका। लेकिन बस जितना मैंने भरा है ना, आप भी इतना ही भरिएगा, बहुत ओवर मत भरिएगा, वरना फिर हमें कवर करना मुश्किल हो जाएगा। और हर टिंडे के ऊपर आप कीमा भर के और इसको ढक दीजिएगा। अच्छा, अगर आप चाहें तो इसमें आप थोड़ा सा एक चुटकी गरम मसाला मिला सकते हैं, लेकिन ये कम कीमे में हमने ज़्यादा नमक मिर्च डाला था, इसलिए ये खासा चटपटा है। बस इसी तरह से सारे टिंडे भर भर के और कवर करते जाइए। काम ये तसल्ली से करने का है। कीमा भरे टिंडे जो है वो बनते मुश्किल से हैं, लेकिन बहुत अच्छे होते हैं। देखिए, मैंने सारे टिंडे भर के
और कवर कर दिए हैं। और ये देखिए आप, तकरीबन सबको कर दिया मैंने, ठीक है। उधर हमारा प्याज था, अब ये कीमा, बल्कि हाँ इसको देखें, कीमा जो है ये बच गया है। इसमें मैं ये जितना हमने टिंडों का गूदा निकाला था ना और हरी मिर्चें थी, ये मैं इस कीमे, बचे हुए कीमे में डाल रही हूँ। उसकी वजह क्या है, उसकी वजह ये कि हमने अब सारी ग्रेवी एक साथ बनानी है, तो ये सारा ग्रेवी बनने के लिए बहुत अच्छी सी ग्रेवी बन जाएगी जब ये सब एक साथ डलेगा, और थिक ग्रेवी बनेगी क्योंकि टिंडों का गूदा भी इसी में। अच्छा, अब इसमें आप मसाले देख लें, 1 टीस्पून नमक है, 2 टीस्पून मिर्चें हैं, 1/2 टीस्पून हल्दी है, 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा है और 1/2 टीस्पून गरम मसाला। ये मसाले भी मैं इसी कीमे और गूदे के मिक्सचर में डाल रही हूँ। एक प्याली में डाल रही हूँ दही, टमाटर का यूज़ इसमें नहीं है। अच्छा, इस कढ़ाई में चूँकि गोश्त का मसाला था तो वो जलने का जलने का चांस है, तो इसलिए हम इसको तेज़ तेज़ चलाएंगे और सारा जो कीमे का मसाला है, दही का मिक्सचर जो हमने बनाया था, वो सारा डाल के प्याज में, और हम उसको तेज़ आंच पे भूनेंगे। ये जो प्याली और प्लेट है इसको खंगाल के भी मैं पानी कीमे में डालूंगी ताकि थोड़ी सी ग्रेवी भी बने और प्याज भी भुने। टिंडों को मैंने टूथपिक की मदद से ढक्कन को टाइट कर दिया है, धागा भी आप बांध सकती हैं, मगर धागा बांधने में भी मुश्किल है, खोलने में भी मुश्किल है और खाते वक्त उसको सर्विंग भी प्रॉब्लम है, तो इसलिए मैंने इसको टूथपिक से लगा दिया। अब देखिए ये टिंडों का जो गूदा था ये बिल्कुल गल चुका है, इसको मैं मैश कर दूँगी चम्मच से ही। पहले हम इसको गलाएँगे, प्याज भी हमारे भुन चुके हैं, मसाला भुन चुका है। पहले मसाला हमने बहुत हल्की आंच, दरमियानी आंच पे समझे, हमने भुना, टिंडे का जो गूदा था वो गलाया, उसके बाद हमने टिंडों का गूदा उसी में रहने दिया, कीमा भी उसी में रहने दिया और टिंडे हमने बारी बारी बिल्कुल सीधे सीधे पतीली में रख दिया। अच्छा, पतीली आप खुले मुँह की, यानी कि एक वाइड माउथ की पतीली लीजिएगा, खुले मुँह वाला बर्तन लीजिएगा जिसमें तसल्ली के साथ ये टिंडे रखे जा सकें भरे हुए, क्योंकि एक के ऊपर एक आप रखेंगे इनको तो फिर ये गलेंगे नहीं। इनको सालन में डिप होना चाहिए, सालन का सारा जूस इसमें जाना चाहिए, इसका जूस सालन में आना चाहिए और अच्छी तरह जब सालन पके तो एक एक टिंडे को भाप मिलनी चाहिए ताकि फिर हर टिंडा अलहदा अलहदा गले। हमने इसको चम्मच नहीं चलाना, कुछ भी नहीं करना, हमने इसको देख लूँ, ज़रा इतने खूबसूरत लग रहे हैं ना, ढक के रखे हुए है ना। तो अब इसके बाद हमने इसको 40 मिनट्स के लिए छोड़ देना है। 40 मिनट्स के बाद जब हम इसको खोल के देखेंगे तो सारे बच्चे प्यार से अपनी जगह पे बैठे होंगे और टिंडे गल चुके होंगे, जैसे वही टीचर सख्सी क्लास से जाती तो सारे बच्चे जगह पे बैठे होते, तो बिल्कुल इसी तरह हमने टिंडे जैसे ढके थे वैसे के वैसे ही मिले, गल चुके हैं भाप में, खुशबू बहुत अच्छी है, धनिया थोड़ा सा छिड़क के इसको मैं दम दूँगी। दम देने के बाद टेंटन बन चुके हैं कीमा भरे, ज़बरदस्त से टिंडे, शक्ल देखें कितनी खूबसूरत है। और इसको आप घर की चपाती के साथ खाइए, उबले हुए चावलों के साथ खाइए, बेहतरीन सी ग्रीन सैलड। आपको पता है मेरे हर खाने के साथ मैं सैलड ज़रूर सर्व करती हूँ, खाना सैलड के बगैर तो समझ लीजिए आधा ही होता है। इसको ज़रूर बनाएं, बच्चों को खिलाएं, बच्चों को सब्ज़ी की तरफ रागब करें इन्हीं तरीकों के साथ। रेसिपी देखने का बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट रेसिपी के लिए बेल आइकॉन को क्लिक करें। अल्लाह हाफिज़।